अंडे, प्रकृति का पोषण भरा अद्भुत उपहार और स्वादिष्ट कुक्कुट मांस भारतीयों के खान पान में गहराई से रचे बसे हैं। प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता नई ऊंचाइयों पर है, 48 अंडे और 2.3 किलोग्राम कुक्कुट मांस, जबकि प्रतिवर्ष आबादी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पुराने समय के घरेलू मुर्गी पालन ने अब पूरी तरह से विकसित कुक्कुट उद्योग का रूप ले लिया है। इससे 50 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होता है। 400 अरब रुपयों से अधिक शुद्ध मूल्य वाला ये उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद में 0.6% की भागीदारी करता है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के केंद्र में है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। इस संस्थान की स्थापना 2 नवंबर 1979 को बरेली उत्तर प्रदेश में की गई। इज्जतनगर में मुख्य परिसर के अतिरिक्त संस्थान का भुवनेश्वर उड़ीसा में क्षेत्रीय केंद्र है, जो क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताएं पूरी करता है। कैरी के नाम से लोकप्रिय इस संस्थान पर विविधीकृत कुक्कुट उत्पादन के सभी विषयों से संबंधित मूलभूत, व्यावहारिक और अनुकूलीय अनुसंधान करने का उत्तरदायित्व है। इसमें अनेक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण और घरेलू पक्षी प्रजातियां भी शामिल हैं, जैसे बटेर, टर्की, गिनी फाउल, भारतीय देशी मुर्गा और बत्तख। विविधीकृत कुक्कुट उत्पादों के उत्पादन व प्रसंस्करण के लिए तकनीकें विकसित करने हेतु ये संस्थान प्रतिबद्ध है। उपयोगकर्ताओं को प्रमाणित तकनीकों का हस्तांतरण और सलाहकार सेवाएं प्रदान करना संस्थान का एक प्रमुख कार्य क्षेत्र है। भारतीय कुक्कुट उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कैरी एक निश्चित दृष्टि और मिशन के साथ आगे बढ़ रहा है। अपनी दृष्टि को साकार करने के लिए कैरी ने कुक्कुट उद्योग तथा अल्प संसाधनों वाले ग्रामीण निर्धनों के लिए वैकल्पिक कुक्कुट प्रजातियों के अनेक उन्नत व अधिक उत्पादनशील जर्म प्लाज्म विकसित किए हैं, ताकि देश में गरीबी और कुपोषण को हराया जा सके। कैरी ने 1974 में देश में पहली बार जापानी बटेर का प्रवेशन कराया और तभी से संस्थान देश में बटेर उत्पादन प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र है। संस्थान ने बटेर के 4 वंश क्रमों का विकास किया है, जिनमें से कैरी उत्तम, कैरी पर्ल और कैरी श्वेता मांसदाई हैं, जबकि कैरी उज्ज्वल अंडा देने वाली लोकप्रिय बटेर है। संस्थान द्वारा विकसित जापानी बटेर की प्रजातियों का व्यावसायिक उपयोग भारतीय जंगली बटेर के उद्धार का माध्यम बन सकता है, जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया गया है। विदेशी प्रजातियों के साथ संकरण द्वारा देशी मुर्गे की 4 उन्नत और दोहरे उपयोग वाली जातियां विकसित की गई हैं। ये उन्नत जातियां हैं कैरी निर्भीक, कैरी श्यामा, उपकारी और हितकारी। अधिक अंडा और मांस उत्पादन, बड़ा आकार और भार, रोगों के प्रति बेहतर रोधिता और भरण पोषण व प्रबंध की खराब दशाओं को सहने की क्षमता के कारण ये जातियां घरेलू मुर्गी पालन के लिए बहुत उपयुक्त हैं। कैरी में टर्की की उन्नत जातियां व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। कैरी विराट के नाम से लोकप्रिय टर्की की सर्दियों में मांग बढ़ जाती है, विशेषकर उन स्थानों पर जहां पश्चिमी देशों के पर्यटक अधिक आते हैं। परंपरागत मुर्गी जातियों के विकल्प के रूप में कैरी ने गुणकारी, गिनी फाउल की उन्नत जातियां उपलब्ध कराई हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है। तटीय क्षेत्रों में बत्तखों की लोकप्रियता देखते हुए कैरी के भुवनेश्वर उड़ीसा स्थित क्षेत्रीय केंद्र में बत्तख पर मुख्य जोर दिया जाता है। केंद्र पर बत्तख की 2 देशी और 2 विदेशी जातियां उपलब्ध हैं, मोती देशी, व्हाइट पैकिन और खाकी कैम्बेल। कैरी कुक्कुट प्रजनन की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना का एक मुख्य केंद्र है। अंडा उत्पादन में सुधार के लिए अंडादायी मुर्गियों के प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत कैरी ने अंडादायी मुर्गियों की व्यावसायिक जातियां विकसित की हैं। सफेद अंडे देने वाली कैरी प्रिया वर्ष में 300 से अधिक अंडे देती है। कैरी सोनाली वर्ष में 280 से अधिक अंडे देती है।
मांस उत्पादन में सुधार के लिए परियोजना के मांस दाई मुर्गे के प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत कैरी ने कैरिब्रो विशाल, कैरिब्रो धनराजा, कैरिब्रो मृत्युंजय और कैरिब्रो ट्रॉपिकाना जैसी लोकप्रिय जातियां विकसित की हैं, जो विभिन्न कृषि जलवायु दशाओं के अनुकूल हैं। व्यावसायिक मांस दाई मुर्गा पालन उद्यमों में बहुरंगी और हृष्ट पुष्ट कैरिब्रो धनराजा की बहुत मांग है। बेहतर जीवनशीलता, उष्मा अनुकूलन, कुशल आहार रूपांतरण और अधिक लाभशीलता के कारण कैरी ट्रॉपिकाना अर्ध गहन ग्रामीण मुर्गी पालन के लिए उपयुक्त है। जर्म प्लास्म में सुधार के लिए जैव प्रौद्योगिक साधनों का उपयोग भी किया जा रहा है। आनुवांशिक सुधार कार्यक्रमों के साथ ही कैरी द्वारा मुर्गे की 7 देसी नस्लों के संरक्षण के लिए संगठित प्रयास किए जा रहे हैं। ये नस्लें हैं असील, कड़कनाथ, नेकेड नेक, फ्रीजल फाउल, अंकलेश्वर, रेड जंगल फाउल और हाल में शामिल किए गए निकोबारी मुर्गे। कुक्कुट प्रजातियों के विभिन्न प्रकारों और आयु वर्गों के लिए कुक्कुट उद्योग द्वारा सबसे कम लागत वाले कुक्कुट आहार तैयार करने के लिए मेक फीड पोल्ट्री नामक विंडोज आधारित एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। कैरी ने विभिन्न कुक्कुट प्रजातियों के लिए उन्नत स्वास्थ्य प्रबंध प्रक्रियाएं विकसित की हैं। प्रमुख कुक्कुट रोगों के लिए टीकों को मानकीकृत किया गया है। कुक्कुट रोगों के निदान के लिए पक्षियों का शव परीक्षण भी किया जाता है। कैरी ने कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक का मानकीकरण किया है। इससे आवश्यक नरों की संख्या में कई गुना कमी लाई जा सकती है और पक्षियों में अंतः प्रजनन की संभावना भी कम हो जाती है। पोस्ट हार्वेस्ट अनुसंधान व विकास के क्षेत्र में संस्थान द्वारा मूल्यवर्धन की तकनीकों, गुणवत्ता निर्धारण, कुशल प्रसंस्करण और कुक्कुट उत्पादों तथा उप उत्पादों के विपणन पर विशेष जोर दिया जाता है। अंडे के मूल्यवर्धित उत्पादों में अंडे का अचार, नमकीन अंडे, एल्ब्यूमिन छल्ले, कम वसा वाले अंडा पैटी और अंडा क्रस्ट वाले पिज्जा लोकप्रिय हैं। मुर्गे के मांस उत्पादों में चिकन नगेट, चिकन पैटी और चंकलोना जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग है। भारत सरकार ने 6 उल्लेखनीय प्रौद्योगिकियों को पेटेंट प्रदान किया है। कैरी द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्यमियों को प्रमाणित जर्म प्लाज्म की आपूर्ति की जाती है। संस्थान ने देश की अग्रणी हैचरीज के साथ बटेर के शुद्ध वंश क्रमों की रॉयल्टी के भुगतान पर नियमित आपूर्ति के लिए समझौता किया है। अनुसंधान व विकास संस्थानों द्वारा निजी क्षेत्र में कुशल कार्मिकों की आवश्यकता पूरी करने के लिए कैरी द्वारा कुक्कुट विकास में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए संस्थान द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उपयोगकर्ताओं और अन्य संबंधितों तक प्रौद्योगिकी पहुँचाने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का व्यापक उपयोग किया जाता है। कुक्कुट विज्ञान संग्रहालय संस्थान की प्रमुख उपलब्धियों और गतिविधियों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान उपलब्धियों ने सामाजिक विकास के कुछ अन्य पहलुओं में भी प्रमुख योगदान किया है। छोटे सीमांत और भूमिहीन निर्धनों का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का आर्थिक उद्धार और सशक्तिकरण और घरेलू पोषण सुरक्षा, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए। इसलिए संस्थान ने अपनी परिदृश्य योजना विजन 2025 को नई दिशा देकर इसे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और निपटने में सक्षम बनाया है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान अपनी नई दृष्टि, मिशन और प्रतिबद्धता के साथ प्रगति के पथ पर है, ताकि देश भर में कुक्कुट क्षेत्र में खुशहाली का वातावरण बना रहे। आत्मविश्वास हमारे साथ है और आशाएं पूरी होने को हैं।